हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे अगर आपका एक यूट्यूब का चैनल है और वो चैनल पे आप इंट्रोडक्शन वीडियो डालना चाहते हैं जिससे लोगों को ये पता चले कि जो लोग सब्सक्राइब करने वाले हैं आपके चैनल को, वो लोग ये चैनल पे आने के बाद में क्या टाइप का कंटेंट उन्हें मिलेगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो डालने का फ़ायदा एक ये भी होता है कि जो न्यू सब्सक्राइबर आपके चैनल पे आ रहे हैं वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख के समझ सकते हैं कि आपके चैनल का पर्पस क्या है या मोटिव क्या है जिसके वजह से वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये चीज़ कैसे करते हैं और इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम डेली सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट डालते रहते हैं। तो अब चालू करते हैं हमारे वीडियो पे। तो यहाँ पे जैसे हमने YouTube चैनल का लिंक ओपन करके रखा है एक्यूनिटी का, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे इंट्रोडक्शन सेक्शन आता है जो हमने डाला हुआ नहीं है, मैंने डाला था वो निकाल दिया है आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले आप इंट्रो वीडियो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये इंट्रो वीडियो कैसे डालेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप YouTube स्टूडियो पे आपके YouTube चैनल पे ही चले जाइए और यहाँ पे सेम ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए जिस ईमेल आईडी से आपका अकाउंट बना हुआ है। तो आपको YouTube पे जाना है, सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करना है जिस अकाउंट से बना हुआ है। आप जाने के बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आ जाएगा कस्टमाइज चैनल करके या मैनेज वीडियो करके। तो कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे तो ये एक ऑप्शन दिखाएगा। क्या ऑप्शन है? चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैवन सब्सक्राइब। तो ये हमें डालना है, जो हमारा चैनल का ट्रेलर है वो हमें डालना है। ये डालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो चैनल का वीडियो है वो आपको आपके चैनल पे डाल के रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे YouTube स्टूडियो में जाता हूँ। YouTube स्टूडियो में जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक वीडियो अपलोड करना है जो आपका इंट्रो का वीडियो है या चैनल का जो ट्रेलर है उसका वीडियो है। तो वो आप पहले से ही बना के रखिए और वो अपलोड कर दीजिए। अपलोड कैसे करते हैं ये अगर आपको जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो अपलोड करने के बाद में यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जो हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है YouTube इंट्रो करके हमने डाला हुआ है। हाँ, तो मैं इंट्रो सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं इंट्रो सर्च करूँगा ये वीडियो हमने डाला हुआ है जो हम हमारे ट्रेलर में डालना चाहते हैं। अभी ये जो वीडियो है इसे अनलिस्टेड रखिए आप, क्योंकि ये किसी प्लेलिस्ट में आप नहीं दिखाना चाहते या किसी रैंडम इसमें नहीं दिखाना चाहते। तो इसे अनलिस्टेड रखिए जैसे हमने अनलिस्टेड रखा है। अब ये वीडियो जो आपने डाला है वो अगर आप वहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो इसका टाइटल क्या होगा? तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ थिंग्स यू विल लर्न बाय सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, तो ये मैंने डाल दिया है कि थिंग्स यू विल लर्न बाय सब्सक्राइबिंग अवर चैनल करके। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी कंटेंट डालना चाहते हैं आपके चैनल को जो इंडिकेट करे या जो आपके यूज़र्स हैं उनको अट्रैक्ट करे वो आप डाल सकते हैं। ये करने के बाद में वापस से आप आपके चैनल पे चले आइए जो यूट्यूब से आपने लॉगिन किया हुआ है, वहाँ पे कस्टमाइज जो चैनल है उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे चैनल ट्रेलर करके ऑप्शन है जिस पे ऐड पे क्लिक करिए। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इंट्रो करके। तो मैं यहाँ पे इंट्रो सर्च कर लेता हूँ, यूट्यूब इंट्रो सर्च करता हूँ। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं वो वीडियो नहीं आ रहा तो ऐड पे क्लिक करता हूँ। और तो मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, थिंग्स यू विल लर्न किया हुआ है, तो थिंग्स यू विल लर्न बाय सब्सक्राइबिंग अवर चैनल करके कर दिया। पब्लिश करता हूँ मैं इसे। जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा यहाँ पे वापस से मैं मेरे चैनल पे आता हूँ और इसे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आ गया, ये जो मैंने वहाँ पे डिटेल डाला है वो यहाँ पे आ गया है। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं कि जो ये चैनल है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और हमारे चैनल का जो ये डिस्क्रिप्शन है अबाउट अस है वो कॉपी कर लेता हूँ और वो ये वीडियो में डाल देता हूँ, इस डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। कंट्रोल वी कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के अगर बाद आप वापस मैं स्टूडेंट यहाँ पे हैं जाता या हूँ आप और इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये भी यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आपके चैनल का एक जो इंट्रो आपने बनाया है या ट्रेलर जो बनाया है वो डाल सकते हैं और बाकी लोग जो आपके चैनल पे आएंगे वो डायरेक्टली ये इंट्रो को देख सकते हैं।
तो ये था कि कैसे आप इंट्रो या ट्रेलर आपके यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।